मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ब्रह्मांड में कुछ वीर योद्धा राज किया करते थे और उनकी पावर्स उनकी विल पावर थी, जो कि एक ग्रीन कलर के रिंग की मदद से पहनने वाले को मिलती थी और उन्हें ग्रीन लैंटर्न वॉरियर्स कहा जाता था। और हमें एक येलो कलर की फियर वाली अंगूठी भी दिखाई जाती है, जिसका इस्तेमाल करके एक बहुत ही खतरनाक विलन जिसका नाम पैरेलेक्स था, वो पूरी यूनिवर्स पर राज करना चाहता था, पर उसके मंसूबे को एक बहुत ही बहादुर ग्रीन लैंटर्न ने नाकाम कर दिया, जिसका नाम अबिनसुर था। और उसने पैरेलेक्स को एक सुनसान ग्रह पर कैद कर दिया और ब्रह्मांड में शांति लाई। अगला सीन हमें कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है, जहां कुछ एस्ट्रोनॉट उसी ग्रह पर गलती से क्रैश लैंडिंग करते हैं और वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पैरेलेक्स कैद था। और वो सारे एस्ट्रोनॉट पैरेलेक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और यही तो पैरेलेक्स की पावर थी, वो उनके डर के कारण उनकी सोल को अपने अंदर खींच लेता है और उस कैद से आजाद हो जाता है, जहां अबिनसुर ने उसको कैद किया था। अगले सीन में हमें एक बाप बेटे की जोड़ी को दिखाया जाता है, जहां बेटे का नाम हेल जॉर्डन होता है और आज जॉर्डन के डैड एक न्यू प्लेन को टेस्ट करने के लिए जा रहे थे और जॉर्डन प्लेन्स का दीवाना था और वो अपने डैड को एक हीरो मानता था। और फिर जॉर्डन के डैड उस टेस्ट प्लेन को उड़ाने लगते हैं, वो कुछ दूर गए ही थे तभी उनके प्लेन का इंजन फट जाता है और उनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। पर जॉर्डन के फादर अपनी पूरी जान लगा देते हैं उस प्लेन को पब्लिक से दूर ले जाने के लिए और कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और धरती पर एक क्रैश लैंडिंग करते हैं। फिर जॉर्डन भागते हुए अपने डैड के पास जाने लगता है, तभी वो प्लेन फट जाता है और जॉर्डन की आंखों के सामने उसके डैड की मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हेल जॉर्डन अब बड़ा हो चुका था और वो भी अपने फादर की तरह एक पायलट था। और फिर हमें कुछ सीनियर ऑफिसर्स को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्लेन बनाई थी जो बिना पायलट की मदद से उड़ सकती थी, पर जॉर्डन इसके खिलाफ था और उसके मुताबिक एक प्लेन बिना पायलट के सही फैसला नहीं ले पाएगी और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो उन ऑटोमेटिक प्लेन्स के साथ मुकाबला करने के लिए उतर जाता है और वो सारे प्लेन्स जॉर्डन को टक्कर देने लगते हैं। पर तभी जॉर्डन प्लेन लेकर स्पेस की तरफ जाने लगता है, जहां एयर प्रेशर कम था, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी से प्लेन के जेट्स बंद पड़ जाते हैं और जॉर्डन के प्लेन के साथ साथ उन ऑटोमेटिक प्लेन्स के जेट भी बंद पड़ जाते हैं। और यही मौका देखकर जॉर्डन उन दोनों प्लेन्स को मार देता है और अब वो अपने प्लेन से पैराशूट की मदद से बाहर आ जाता है। अगले सीन में सारे बड़े ऑफिसर्स मिलकर जॉर्डन को बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगते हैं, क्योंकि जॉर्डन ने करोड़ों की लागत वाली एक प्लेन को बर्बाद कर दिया था और इसी के कारण कैरल, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उस कंपनी की सीईओ भी, वो जॉर्डन को सस्पेंड कर देती है। अगले सीन में हमें पैरेलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कैद से आजाद होकर सीधा अबिनसुर के पास बदला लेने के लिए पहुंचता है और अबिनसुर और पैरेलेक्स की फाइट शुरू हो जाती है और पैरेलेक्स यहां अबिनसुर पर भारी पड़ने लगता है और इसलिए अबिनसुर अपने स्पेसशिप में बैठकर वहां से मदद के लिए निकल जाते हैं, पर उनका स्पेसशिप धरती में आकर क्रैश लैंडिंग करता है और अब उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो मरने वाले थे और इसलिए वो रिंग से कहते हैं कि वो अपने अगले ग्रीन लैंटर्न को चुन ले, क्योंकि वो बहुत जल्द मरने वाले हैं। और अब वो रिंग अपने दूसरे ग्रीन लैंटर्न को ढूंढने निकल चुकी थी। उधर दूसरी तरफ जॉर्डन अपने सबसे छोटे भाई के साथ बैठकर बातें कर रहा था, पर तभी वहां वही ग्रीन रिंग जॉर्डन को चुन लेती है और जॉर्डन के अंदर चली जाती है। और अब थोड़ी देर बाद वो ग्रीन रिंग जॉर्डन को उठाकर अबिनसुर के पास ले आती है, ताकि जॉर्डन उनकी जान बचा सके और उनकी मदद कर सके, पर अब बहुत ही देर हो चुकी थी और अबिनसुर जॉर्डन को वो रिंग देते हैं और एक ग्रीन लैंटर्न को दिखाते हुए कहते हैं कि जब भी वो ये रिंग पहनकर ग्रीन लैंटर्न के पास बोलेगा तो रिंग उसे पावरफुल ग्रीन लैंटर्न वॉरियर्स में बदल देगी। और ये सब कहकर अबिनसुर मर जाते हैं और अब जॉर्डन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को वहां बुलाता है और उसको सब कुछ बताता है। पर तभी वहां मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और क्योंकि उनको स्पेसशिप की खबर मिल चुकी थी, इसलिए जॉर्डन जल्दी से वहां वो लैंटर्न लेकर वहां से निकल जाता है। और अब मिलिट्री वाले अबिनसुर की डेड बॉडी को रिसर्च के लिए एक लैब में ले जाते हैं और अब लैब में हमें दो डॉक्टर को दिखाया जाता है, जहां मेल डॉक्टर का नाम हेक्टर था और वो दोनों उस बॉडी पर रिसर्च कर रहे होते हैं। और तभी हेक्टर अबिनसुर की बॉडी में उसी जगह हाथ डालता है जहां पैरेलेक्स ने हमला किया था और अब पैरेलेक्स की थोड़ी सी पावर हेक्टर के अंदर चली जाती है, पर हेक्टर इन बातों पर गौर नहीं करता और अपना काम करता रहता है। उधर दूसरी तरफ जॉर्डन वो रिंग पहनकर ग्रीन लैंटर्न को पावर देने के लिए कहता है, पर कुछ असर नहीं होता और फिर थोड़ी देर बाद वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो रिंग उस लैंटर्न में टच कर देता है और रिंग के टच होते ही जॉर्डन हिप्नोटाइज हो जाता है और वो खुद ब खुद कुछ इंचैटमेंट को बोलने लगता है और अब वो ग्रीन लैंटर्न जॉर्डन को अपनी पावर्स देने लगती है। उधर दूसरी तरफ ग्रीन लैंटर्न के एक्टिवेट होते ही लैंटर्न्स की दुनिया में सबको पता चल जाता है और अब जॉर्डन उस ग्रीन लैंटर्न की दुनिया में खींचा चला जाता है और वहां पर जॉर्डन के ऊपर रिसर्च होने लगता है। जॉर्डन पहला इंसान था जिसको रिंग ने चुना था और थोड़ी देर बाद जब जॉर्डन को होश आता है
तब वो ग्रीन लैंटर्न के अवतार में आ जाता है और फिर वहाँ किसी दूसरे प्लेनेट की स्पीसीज को दिखाया जाता है जो कि मछली जैसी दिखती थी, पर वो भी एक ग्रीन लैंटर्न वॉरियर था। और अब वो दोनों ग्रीन लैंटर्न के लीडर के पास जाते हैं जो सारे लैंटर्न्स को एक स्पीच दे रहा था। और अब वो लीडर जॉर्डन का टेस्ट लेने लगता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर जॉर्डन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से रिंग ने उसे चुना। और फिर एक बहुत ही ताकतवर ग्रीन लैंटर्न जॉर्डन को उसके रिंग की पावर्स को यूज करना सिखाने लगता है और वो कहता है कि ग्रीन लैंटर्न की पावर्स अंदर से आती है और ये रिंग की पावर उतनी ही शक्तिशाली होगी जितनी की इसको पहनने वाले की विल पावर। और अब वहाँ ग्रीन लैंटर्न का लीडर जॉर्डन से लड़ने लगता है और जॉर्डन को तुरंत ही हरा देता है और उसका मजाक बनाने लगता है और कहता है कि शायद इस बार रिंग ने गलत वॉरियर को चुन लिया। और अब जॉर्डन वहाँ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे वॉरियर बनने का कोई भी शौक नहीं और अब वो खुद ही ये सब छोड़कर बस अर्थ पर वापस लौटना चाहता है। उधर धरती पर डॉक्टर हेक्टर के शरीर में कुछ चेंजेस आने लगे थे और अब पैरालेक्स की शक्ति से उसे लोगों के मन की बातें सुनाई देने लगी थी और खुद भी अपने अंदर होने वाले चेंजेस को नोटिस करता है। उधर लैंटर्न्स वॉरियर का लीडर कुछ वॉरियर को लेकर पैरालेक्स को मारने के लिए निकल जाता है और पैरालेक्स को कैद करके उस पर हमला करने लगता है, पर पैरालेक्स उस लीडर के सामने ही अपनी डर वाली पावर का इस्तेमाल करके सारे लैंटर्न्स वॉरियर की सोल को अपने अंदर खींच लेता है। और अब वो लीडर ये देखकर वहाँ से भागकर वापस अपने ग्रह में आ जाता है और अब वो अपने गार्डियन से कहता है कि आप लोगों के मुताबिक विल पावर की शक्ति सबसे ताकतवर है, तो फिर पैरालेक्स उनसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और अब गार्डियंस उसे एक राज की बात बताते हैं और कहते हैं कि पैरालेक्स भी कभी एक गार्डियन था और उसने विल पावर की शक्ति से ज्यादा पावरफुल डर की शक्ति को समझा और उस पर काबू भी कर लिया, पर डर की शक्ति ने उसे करप्ट कर दिया और डर की शक्ति से वो गार्डियन वही बुराई बन गया जिसे वो मिटाने निकला था और इसलिए हमने अपने सबसे बहादुर योद्धा अबिनसुर से उसे कैद करवा दिया। और अब पैरालेक्स रिहा हो चुका है और अब वो हम लोगों को मारकर हमसे बदला लेगा। और अब वो लैंटर्न का लीडर कहता है कि पैरालेक्स को हराने के लिए हमें भी एक डर की अंगूठी बनानी होगी और डर को डर से हराना होगा। और अब सारे गार्डियन मिलकर डर की शक्ति पर काबू पाकर डर की रिंग बनाने लगते हैं। उधर अर्थ पर हमें एक पार्टी में जॉर्डन और हेक्टर को दिखाया जाता है और हेक्टर यहाँ कैरल को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, पर हेक्टर के फादर उसे रोक लेते हैं और तभी हेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अब उस पर डर की शक्ति धीरे धीरे हावी हो रही थी और अब वो गुस्से में अपने ही फादर के ऊपर हमला कर देता है और उनके हेलीकॉप्टर को डैमेज कर देता है। और अब वो डैमेज हेलीकॉप्टर सीधा नीचे की ओर बढ़ रहा था और वहाँ मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ जॉर्डन कोई रास्ता ना देखकर ग्रीन रिंग की मदद से एक लैंटर्न वॉरियर में बदल जाता है और वो वहाँ अपने विल पावर से उस हेलीकॉप्टर को लोगों की जान लेने से बचा लेता है, पर इससे अब धरती के लोगों को उनके बीच सुपर पावर होने का एहसास हो चुका था। फिर जॉर्डन एक लैंटर्न बनकर कैरल से मिलने जाता है और कैरल थोड़ी देर में ही उसे पहचान जाती है और फिर जॉर्डन कहता है कि उसने ग्रीन लैंटर्न्स की आर्मी को छोड़ दिया है। और अब ये सुनकर कैरल बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि जॉर्डन इन पावर का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों की मदद कर सकता था, पर जॉर्डन ने अपनी खुदगर्जी देखी और अब जॉर्डन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस रिंग ने उसे क्यों चुना है। तभी उसकी रिंग ग्लो करने लगती है और उस रिंग की मदद से वो समझ जाता है कि कोई जरूर मुसीबत में है और फिर वो उस जगह पर पहुंचता है और देखता है कि हेक्टर फिर से अपने फादर को मारने वाला था। और अब जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न बनकर हेक्टर से लड़ने लगता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद हेक्टर को पैरालेक्स की आवाज सुनाई देने लगती है और पैरालेक्स यहाँ उनको धरती को तबाह करने को कहता है और अब हेक्टर अपने फादर को जलाकर मार डालता है और वहाँ मौजूद एक लेडी डॉक्टर को भी मारने वाला था, पर तभी जॉर्डन उसे बचा लेता है। उधर दूसरी तरफ सारे गार्डियंस मिलकर डर की रिंग को तैयार कर लेते हैं और अब लैंटर्न्स का लीडर उस रिंग की मदद से पैरालेक्स को मारने वाला था और तभी वहाँ जॉर्डन आ जाता है और वो उस डर वाली रिंग को इस्तेमाल करने से रोकता है क्योंकि वो जानता था कि इस रिंग को पहनते ही इसे पहनने वाला करप्ट हो जाता है। और अब जॉर्डन यहाँ लैंटर्न वॉरियर्स की मदद मांगता है ताकि वो धरती को बचा सके, पर वो लीडर जॉर्डन की मदद करने से साफ इनकार कर देता है और अब जॉर्डन के पास कोई रास्ता नहीं होता और अब वो अपनी पूरी शक्ति के साथ धरती को बचाने निकल पड़ता है। पर जैसे ही वो धरती पर आता है वो कैरल को हेक्टर की कैद में देखता है और हेक्टर जॉर्डन से उसकी रिंग मांगता है वरना वो कैरल के अंदर अपना ब्लड इंजेक्ट कर देगा। और अब जॉर्डन उसकी बात मानकर वो रिंग को उतार देता है और हेक्टर को दे देता है और अब हेक्टर उस रिंग से जॉर्डन पर अटैक करता है। पर यहाँ हेक्टर को एक बात पता नहीं थी कि रिंग ने जॉर्डन को चुना था और इसलिए वो रिंग पूरी तरह से जॉर्डन के कंट्रोल में थी और अब वो अटैक वापस से हेक्टर को जाके लगती है और अब जॉर्डन कैरल को बचाकर तुरंत ही अपने रिंग को वापस पहन लेता है। पर तभी हमें वहाँ पैरालेक्स को दिखाया जाता है जो कि धरती पर आ चुका था और अब वो धीरे धीरे लोगों के अंदर डर को महसूस
महसूस कर पा रहा था और वो उनकी सोल को खाने लगता है, जिससे वो और भी पावरफुल होने लगता है। और अब पैरेलेक्स ने हेक्टर की सोल को भी खा लिया था, क्योंकि अब पैरेलेक्स के लिए हेक्टर किसी भी काम का नहीं था। और अब जॉर्डन और पैरेलेक्स की फाइट शुरू हो जाती है। जॉर्डन यहाँ अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके पैरेलेक्स को टक्कर देने की कोशिश करता है, पर पैरेलेक्स यहाँ बहुत ही ताकतवर हो चुका था, इसलिए जॉर्डन उसे नहीं मार पाता। और अब पैरेलेक्स उसे मारने वाला ही था, तभी जॉर्डन अपनी पूरी ताकत लगाकर पैरेलेक्स को चीरता हुआ स्पेस में पहुंच जाता है। और अब वो धोखे से पैरेलेक्स को अपने पीछे लगाकर सूरज की तरफ ले जाता है। और अब जैसे ही वो सूरज के नजदीक पहुंचता है, सूरज की ग्रेविटी उन दोनों को खींचने लगती है। और अब जॉर्डन यहाँ अपनी पूरी विल पावर का इस्तेमाल करके पैरेलेक्स को जोर से मारता है। और अब पैरेलेक्स सूरज की ग्रेविटी के खिलाफ नहीं जा पाता और वो सूरज के अंदर जाकर मर जाता है। पर यहाँ इस फाइट से जॉर्डन भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और अब जॉर्डन भी सूरज की तरफ खींचा चला जाता है। पर तभी वहाँ बाकी ग्रीन लैंटर्न वॉरियर आ जाते हैं और जॉर्डन को बचा लेते हैं। और अब उन लोगों को भी समझ में आ गया था कि रिंग ने जॉर्डन को चुनकर कोई भी गलत काम नहीं किया, क्योंकि रिंग हमेशा एक बहुत ही पावरफुल विल पावर वाले इंसान को चुनती है। और अब जॉर्डन को सारे ग्रीन लैंटर्न का लीडर बना दिया जाता है। और अब जॉर्डन कैरल के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता है। दूसरी तरफ हमें लैंटर्न वॉरियर के पुराने लीडर को दिखाया जाता है, जो अब ग्रीन रिंग को उतार कर डर वाली रिंग को पहन लेता है। और अब उसके पास डर की पावर्स आ गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।